केंद्र बिंदु आज की मुख्य अतिथि महोदया नूरे चश्मे मानिया पूनम दलाल आईपीएस आज की विशिष्ट अतिथि के बतौर पधारे मेरे वरिष्ठ साथी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री नसीब सिंह जी डीपीसी रेवाड़ी माननीय नूरे चश्मे जनाब वीरेंद्र नाराजी एसएचओ बावल भाई विद्यासागर जी तमाम मीडिया से जुड़े पदाधिकारीगण कर्मचारीगण बाहर से आए हुए शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम हस्तियां मेरे स्टाफ के सदस्यगण और छोटे छोटे बच्चों सबसे पहले विद्यालय परिवार की ओर से नूरे चश्मे माननीय पूनम दलाल जी के पधारने पर मैं स्टाफ की तरफ से अपनी तरफ से बहुत आभार प्रकट करता हूं उनका अपने बहुत बिजी शेड्यूल से आई और विद्यालय में हमारी गर्ल्स को मोटिवेशन दी एक बार जोरदार तालियां मैडम के लिए। तो मैंने उनको कहा कि मैं सुबह आपको कंफर्म करूंगी कि मैं आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगी शायद मैं अवॉइड कर लेती या जब मुझे पता चला कि बच्चों का फंक्शन स्कूल है और तकरीबन 1500 के करीब इस स्कूल में बच्चियां हैं
तो मैंने जरूर ये तय किया कि मैं इस प्रोग्राम में जरूर आऊंगी, ताकि आप लोगों के साथ में बीच में आके मैं आप लोगों से, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि मैं आपको कुछ सिखाऊं, बट मुझे लगता है कि एज ए चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चों के बीच में आके, आप लोगों के बीच में आके हम भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। पहले तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे, हमारे 75वें अमृत महोत्सव हम पर्व बना रहे हैं, हमारी आजादी को 75 साल हो गए हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को जो भी इस फंक्शन में शरीक हो रहे हैं। साथ ही मैं आपके बीच में आई हूं तो दो तीन चीजें मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप इन चीजों पे जब भी जैसा भी कर सकें आप करें, उस पर काम करें। प्राय देखा जाता है कि सरकारी स्कूल में बच्चों को शायद हम उतना फोकस नहीं कर पाते, बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि यहाँ पे टीचर्स ने जितने डिसिप्लिन से यहाँ के बच्चे बैठे हुए हैं, जिस तरह मुझे बताया गया कि आपका रिजल्ट हरियाणा में 2nd नंबर पे आया है, तो हैट्स ऑफ टू यू, आप लोग अपने लिए ताली बजाइए इस बार। जब हम बात करते हैं महिला सुरक्षा की, तो बच्चों की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कोई भी बच्चा जो इस वक्त मुझे सुन रहा है, अगर उसे लगता है कि उसके आस पड़ोस में, उसके घर में, उसके स्कूल में या स्कूल के रास्ते में, कहीं पे भी अगर उसे लगता है कि कोई ऐसी अनचाहे लोग हैं जो उसको पीछा कर रहे हैं या उसका फॉलो करते हैं, या फिर उसको लगता है कि एक गुड टच बैड टच, किसी का टच आपको अच्छा नहीं लग रहा, चाहे वो आपका रिश्तेदारी हो, तो उसमें बेझिझक आप अपने जिसको भी आप क्लोज मानते हैं कंफाइन कर सकते हैं, अपने टीचर्स को बताइए, अपने स्कूल में प्रिंसिपल को बताइए, या अगर आपको लगता है कि आपको पुलिस स्टेशन जाना है या महिला हेल्पलाइन नंबर है हमारा, आजकल तो 112 नंबर हमारा इमरजेंसी नंबर लॉन्च हो चुका है, आप उस पर कॉल करेंगे तो तुरंत पुलिस आपकी सेवा में तुरंत हाजिर होगी। तो आप लोग बच्चों को खासकर मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी आपके अपने माता पिता के अलावा, आपके खुद के परिवार के अलावा, अगर कोई भी व्यक्ति आपको जबरदस्ती किसी तरीके से टच करना चाहता है, तो आप इस चीजों को टॉलरेट मत कीजिए और आप तुरंत बताएं। मैं मैडम से अनुरोध करना चाहूंगा, एक बार इनके साथ एक बार फोटो खिंचवाए, इनको भी अच्छा लगे प्लीज। डीपी जी महोदय प्लीज आप भी आइए। आपको इनके एक बार जोरदार तालियां मैडम के लिए, के सामने ये यादगार पल आप समेट कर यहां से जाएंगे। थैंक यू सर। ऐसे दानी व्यक्ति के लिए तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियों से अभिनंदन में स्वागत। थैंक यू सर। हुए माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय अपने शिक्षा जगत की तरफ से।